गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों को पार्ट 6 दूध का रंग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, एक बच्चा था जिसका नाम था अंकुर। वो एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था। वो किसी भी चीज के जानने की कोशिश करता था। वो अपने माता पिता से सवाल करता था और जो सवाल का जवाब पाता था। वो किसी के चीज के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता था। उसी तरह उसने दूध का रंग के बारे में भी कुछ पूछा है, जो आप लोग को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बाहर से आवाज आती है, दूध वाला, माँ जी दूध ले लो। एक दूध वाला आता है और माँ जी को पुकारता है कि माँ जी दूध ले लो। माँ आती है, माँ दरवाजा खोल, माँ ने दरवाजा खोला। दूध वाला, माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। अंकुर, क्या गाय का? उस बच्चे ने बड़ी उत्साह से बोला कि गाय का दूध लेके आए हो। दूध वाला, गाय का दूध अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है। भैया, इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। वो दूध वाला जो है अंकुर को कहता है कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है और जो इसको पीता है उसको बहुत ही ताकत होता है और जो पिएगा वो राजा बेटा बन जाएगा। माँ, यह तो राजा बेटा है ही, आज 1 लीटर दूध दे दो। वो अपने बच्चे को सहलाती हुई कह रही है कि यह मेरा राजा बेटा है ही, और दूध वाला से 1 लीटर दूध मांगती है। दूध वाला, अच्छा माँ जी, अच्छा माँ जी कहकर वो 1 लीटर दूध दे देता है। अब अंकुर अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। माँ कहती है, क्या, कौन सी? अंकुर, गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता, दूध सफेद क्यों बन जाता है? अपनी माँ से सवाल करता है कि दूध, जब गाय हरी घास खाती है तो दूध भी हरा होना चाहिए, मगर उसकी दूध सफेद क्यों होती है? तब माँ ने उसे हंसकर समझाया, दूध भी हरा होना चाहिए, दूध में कैल्शियम का नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफेद रंग देता है। अच्छा, यह देखो, तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों होता है? तब माँ उसको समझाती है कि बेटा, दूध हरा होना चाहिए मगर दूध में कैल्शियम नाम का प्रोटीन होता है, उसकी वजह से दूध का रंग सफेद होता है। और अपने बच्चों को ये भी समझाती है कि तुम भी तो तरह तरह का चीज खाते हो, मगर हमारे शरीर का खून का रंग लाल क्यों होता है? अंकुर अपनी माँ से पूछता है, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है माँ? वो अपनी माँ से पूछता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, और ऐसा होता भी है तो क्यों होता है माँ? माँ फिर उसे जवाब देती है, बेटा हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है। वो अपने बच्चों को समझाती है कि हमारे जो शरीर में, मानव शरीर जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के कारण हम जो भी खाते पीते हैं वो खाना हमारे खून के रंग को लाल कर देता है। अंकुर फिर अपनी माँ से सवाल करता है, बड़ी अचरज की बात है, अच्छा माँ मैं नहा लूं वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अपनी माँ को कहता है, अचरज की बात है माँ, मगर फिर उसके स्कूल को देर हो रही थी इसलिए वो बोला कि अच्छा मैं माँ अब मैं नहा लेता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगा। माँ तुम नहा कर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ, कहते हुए रसोई में जाने लगती है और वो अपने बच्चे को कहती है कि तुम जाओ नहा के आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। ये कहते हुए वो रसोई घर में चली जाती है। अंकुर, ठीक है माँ। अंकुर नहाकर दूध पीकर स्कूल चला जाता है। अब अंकुर आता है, नहा धो के फ्रेश होके स्कूल के लिए तैयार होता है और 1 गिलास दूध पी के वो स्कूल को चला जाता है। रात का समय, जब वो स्कूल आ जाता है, रात का जब समय आ रहा है तो अपनी माँ से पूछता है, अंकुर माँ
सोचती है, माँ कहती है अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म करो फिर तुम्हें दूध पिला दो। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जो हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, अंकुर को भी वही होमवर्क अपने विद्यालय से मिला था जिसको उसकी माँ ने पूरा करके और दूध पीने के लिए कहा। अंकुर, माँ आप मुझे रोज 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो, दूध पीने से क्या होता है? फिर अंकुर जो है अपनी माँ से सवाल करता है, माँ तुम मुझे 2 बार दूध देती हो और दूध पीने से होता क्या है? तब उसकी माँ ने उसे जवाब दिया, दूध पीने से हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। अंकुर, वह कैसे? माँ, बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। जो हम दूध पीते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व होते हैं जो हमें अपने शरीर को निरोगी बनाते हैं। ये आप लोगों को मेन पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब अंकुर फिर सवाल करता है अपनी माँ से, यह सब क्या क्या होते हैं और यह क्या करते हैं? तब माँ ने उसे जवाब दिया, यह हमारे शरीर के जरूरी तत्व हैं। यह अलग अलग काम करते हैं, जैसे प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर की मरम्मत और निर्माण करना। जो हमारा शरीर है उसको भीतर से मरम्मत करना, यानी कि जो भी बिगड़ता है उस चीज को वो मरम्मत। कोई भी चीज बनाते हो तो उसको बनाते हो ना, तो वही बनाने का काम यह हमारा प्रोटीन का काम है। फिर यह हमारी निर्माण करता है, यह हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है, और कैल्शियम जो है हमारे शरीर में, ये तो मांस है ना, और जब यही मांस के अंदर में जैसे ये आप दाबोगे तो देखोगे पाओगे एक कड़ी चीज तुमको नजर आएगी। इसी तरह कोई भी अपना बॉडी छुओगे बच्चों तो आपको मांस के साथ साथ ये कुछ आपको कड़ी चीज मिलेगी, उसे हम हड्डी बोलते हैं। उस हड्डी को और हमारे दांत को यह मजबूत करता है। कौन? कैल्शियम। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है, और विटामिन जो होता है हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उससे लड़ने की ताकत ये विटामिन के द्वारा मिलता है। अंकुर, अच्छा माँ आज से मैं खूब दूध पीऊंगा और जल्दी जल्दी बड़ा बनूंगा। तब अंकुर बहुत खुशी के साथ अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आज से मैं खूब दूध पीऊंगा और जल्दी जल्दी बड़ा होऊंगा। इसी तरह बच्चों आप भी दूध पियो और बड़े बनो, ठीक है? हाँ बच्चों, अब आपका आ गया मौखिक का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका है, गाय का दूध कैसा होता है? तो उत्तर है, गाय का दूध सफेद होता है। इसका ख, माँ ने कितना दूध लिया? दूसरा का उत्तर क्वेश्चन है, माँ ने कितना दूध लिया? इसका उत्तर है, माँ ने 1 लीटर दूध लिया। इसका तीसरा क्वेश्चन है, दूध सफेद क्यों होता है? इसका उत्तर है, दूध में कैल्शियम नाम का प्रोटीन होता है इसलिए दूध सफेद होता है। घ है, प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि प्रोटीन हमें सभी रोगों से लड़ने की ताकत देता है तथा हमें निरोगी बनाता है। हाँ तो बच्चों, अब है आपका लिखित। लिखित में पहला क्वेश्चन है, खून को लाल रंग कौन देता है? आपका उत्तर है, खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन देता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूध पीने से क्या होता है? इसका उत्तर है, दूध पीने से हमें ताकत मिलती है और हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, भोजन के जरूरी तत्व कौन से हैं? भोजन के जरूरी तत्व प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। तो बच्चों इसी तरह आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखना और पेयर करना, और इसी तरह पढ़ना और दूध पीते रहना, ठीक है? बाय बच्चों।